गाइस, आज हम इमोजी से माइनक्राफ्ट के आइटम्स का नाम गेस करने वाले हैं। तो फटाफट से ये पहली वाली इमोजी देखो और माइनक्राफ्ट के आइटम का नाम गेस करो। ये सबका वन ऑफ द फेवरेट होता है और इसमें एक्स्ट्रा हार्ट्स मिल जाते हैं। तो जल्दी से इसका नाम गेस करो और आंसर मुझे कमेंट करो। लगता है सभी लोगों को आंसर समझ में आ गया है, क्योंकि ये पहला वाला क्या है, ये है गोल्ड और दूसरा वाला है एप्पल। तो मिला के बन जाता है गोल्डन एप्पल। यस गाइस, माइनक्राफ्ट में इसको खाने से हर्ट्स बढ़ जाते हैं, आप लोग तो ये जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम ये नेक्स्ट वाला भी गेस कर लेते हैं। ये माइनक्राफ्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, इसके बिना तो कोई चीज ही नहीं बन सकती। जितने लोगों ने भी माइनक्राफ्ट खेला होगा उनको तो ये पता ही होगा, क्योंकि पहला वाला तो लिखा ही है, आपको बस दूसरा वाला गेस करना है। तो जल्दी से गेस कीजिए और मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। लगता है बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि ये क्या है, ये है सी। और दूसरा वाला क्या कर रहा है, जिसे बोलते हैं राफ्टिंग, जो बहुत ही हैवी फ्लो रिवर में किया जाता है। और तीसरा वाला है टेबल। तो गाइस, मिला के बन जाता है क्राफ्टिंग टेबल। इसके बिना तो कोई सामान ही नहीं बन सकता। तो गाइस, अब हम ये नेक्स्ट थ्री वाला गेस करेंगे। ये भी बहुत इजी है, पहला वाला तो आपको दिख ही रहा है और दूसरा वाला तो लिखा ही है। तो जल्दी से इसे गेस कीजिए। इस वाले आइटम में हम सामान रखते हैं, तो जल्दी से गेस कीजिए। यस गाइस, बिल्कुल सही गेस किया आपने। ये पहला वाला है चेस और दूसरा वाला है टी। तो मिला के बन जाता है चेस्ट। आपको तो पता ही होगा, इसमें हम अपना सामान रखते हैं भर भर के। चलिए अब हम ये नेक्स्ट वाला गेस करते हैं। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। पेड़ को काटने के बाद जो सबसे पहला टूल बनाते हैं हम, यही बनाते हैं। आप लोग समझ गए ना। देखिए, ये पहला वाला क्या है, इसे आप इंग्लिश में गेस कीजिए। और दूसरा वाला तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा, इसे भी आपको इंग्लिश ही गेस करना है। तो जल्दी से इसे कॉम्बाइन कीजिए और आंसर आपका कमेंट कीजिए। और फटाफट से मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लगता है सभी को आंसर समझ में आ गया, क्योंकि यह पहला वाला है पिग और दूसरा वाला है एक्स। ये भी माइनक्राफ्ट का ही एक टूल है। तो मिला के बन जाता है पिकएक्स। यस गाइस, जो हम सबसे पहले बनाते हैं वुड से स्टोन में, स्टोन से आयरन में, आगे कन्वर्ट हो सके, क्यों है ना सही। तो गाइस, अब हम ये नेक्स्ट वाला आइटम गेस करेंगे। ये भी माइनक्राफ्ट का एक बहुत ही पॉपुलर आइटम है, लेकिन इसे हमें लेने के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ता है। इमोजी देखिए, आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ये पहले वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को भी क्या बोलते हैं, और तीसरा वाला वो क्या हो रहा है, ये अधिकतर लोग जानते होंगे। लगता है बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ गए हैं, क्योंकि पहला वाला है सी, दूसरा वाला है जमीन मींस लैंड, और तीसरा वाला टर्न मींस टर्न हो रही है। तो मिला के बन जाता है सी लालटेन। यस गाइस, ये है सी लालटेन। आप लोगों ने गेस कर लिया था ना, ये हमें रोशनी वोशनी करके देता है। जिन्होंने माइनक्राफ्ट खेला होगा उन्होंने तो ये टूल जरूर ही यूज किया होगा। गाइस, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम ये नेक्स्ट वाला आइटम गेस करते हैं। पहली वाली इमोजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो जो हमारी रक्षा करते हैं, और दूसरी तीसरी वाली तो आप गेस कर ही लोगे। वेल डन गाइस, ये भी आप लोगों ने बता दिया, क्योंकि पहला वाला क्या कर रहा है, ये है गार्ड जो रक्षा करते हैं, और दूसरा वाला है ई, तीसरा वाला है एन। तो मिला के बन जाता है गार्डियन। ये टूल हम लोग को बहुत परेशान किया करता है, ये भी आप लोगों ने गेस कर लिया था ना।
तो वीडियो को लाइक करके अपना वोट दे दीजिए। गाइस अब हम ये जो नेक्स्ट वाला आइटम गेस करने वाले हैं, ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम होता है। ये वाला आइटम माइनक्राफ्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला वाला तो आप लोग को पता चल ही गया होगा और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं क्योंकि सभी लोगों का ये फेवरेट है, क्योंकि ये है वाटर। दूसरा वाला है बकेट, जिसमें हम पानी रखते हैं, मिला के बन जाता है वाटर बकेट। ये वाला आप लोगों ने गेस कर लिया था ना? यस आई थिंक गेस कर ही लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी था। गाइस चलिए अब हम ये नेक्स्ट वाला गेस करते हैं। ये एक मॉब है जो बहुत परेशान करता है, ये बहुत मारता है और इसके पास एक एक्स भी होती है। सबसे बड़ा हिंट दे दिया मैंने, बस आपको ये पहली वाली मुझे अच्छे से गेस करनी है। गाइज ये वाला भी आप लोगों ने गेस कर लिया क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये है विंड, ये है कैट और ये है आर, तो मिला के बन जाता है विंडिकेटर। यस गाइज ये विंडिकेटर जो बहुत परेशान करता है और उसके पास एक्स भी होता है, जब देखो मारने आ जाता है स्पीड में। तो ये वाला भी आप लोगों ने गेस कर लिया था ना, काफी सही है। तो गाइज अब हम ये 9 वाला आइटम गेस करेंगे। ये भी आप लोगों के लिए काफी इजी है। पहला वाला तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, दूसरा वाला भी इजी है और तीसरा वाला भी बहुत इजी है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए और इसे गेस कीजिए, और हाँ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। ये भी एकदम सही गेस किया आपने, ये है एन, ये है डियर और ये है मैन, तो मिला के बन जाता है एंडरमैन। यस गाइस एंडरमैन, जब देखो ये हमारे ब्लॉक लेकर भागते रहता है, पता नहीं क्यों। वैसे एंडरमैन ब्लॉक लेकर क्यों भागता है आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये भी आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया था। गाइस अब हम ये लास्ट वाला गेस करेंगे, ये भी बहुत ही इजी है। इससे हम माइनक्राफ्ट में बहुत सारे बिल्डिंग्स बना सकते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। आप लोगों को समझ में आ गया है तो आंसर मुझे कमेंट में बता दो। लगता है सभी लोगों का आंसर आ गया है क्योंकि पहला वाला है लाल यानी रेड और दूसरा वाला है स्टोन, तो मिला के बन जाता है रेड स्टोन। ये भी आप लोगों ने गेस कर लिया था, तो अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग नूब हो, प्रो हो, गॉड हो या हैकर हो। गाइज अब आप लोग यहाँ तक आए हो तो ये वाला वीडियो भी जरूर देख करके जाना।